मेरी क्लाइंट रीटा मुझसे आके कहती कि मैम आपको पता है मैं ना घर का हेल्दी खाना खाती हूँ पर फिर भी मेरा वेट लॉस ही नहीं होने का नाम ले रहा। मतलब मैं प्रोसेस फूड, जंक फूड, ये चाट पकोड़े, पिज्ज़ा, बर्गर, मैं इनको छूती भी नहीं हूँ पर फिर भी मेरा एक महीने के अंदर अंदर 2 kg वेट बढ़ गया है। तो क्या आपकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है मेरी क्लाइंट रीटा की तरह कि भाई आप खा तो रहे हो हेल्दी घर का खाना पर फिर भी आपका वेट लॉस ही नहीं होने का नाम ले रहा, बल्कि और उल्टा आपका वेट बढ़ रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ईटिंग घर का खाना और ईटिंग हेल्दी इज नॉट इक्वल टू वेट लॉस। मान लो कि आप सुबह में बॉइल्ड एग ले रहे हो, लंच में आप रोटी दाल चावल ले रहे हो और डिनर में भी आप जो है चपाती ले रहे हो, वेजिटेबल ले रहे हो, कर्ड ले रहे हो, यस डेफिनेटली आप हेल्दी मील ले रहे हो, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द पोर्शंस? आर यू श्योर दैट यू आर ईटिंग इन राइट पोर्शंस? यानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है इतना, सो आर यू श्योर यू आर ईटिंग इतना और यू आर ईटिंग इतना? तो आप खाना तो खा रहे हो पर कितना? दैट मीन्स आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरीज अ डे, बट क्या आप सच में 1500 कैलोरीज ही खा रहे हो या फिर आप ले रहे हो 1700 कैलोरीज? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील कि ओ मेरा तो वेट कम ही नहीं हो रहा है, आई एम ईटिंग घर का खाना ओनली, हाँ वेरी हेल्दी, सो डू रिमेंबर ईटिंग हेल्दी इज नॉट इक्वल टू लूजिंग वेट, सो डू चेक योर पोर्शन साइजेस। हे दिस इज कमलप्रीत कौर, सर्टिफाइड एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन थिंक न्यूट्रिफिट। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू शेयर इट विद अदर्स एंड डू चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑन वेट लॉस।